इसरो ने एक और खुशखबरी सुनाई है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क साध लिया है। 2019 में भेजे गए ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर के स्वागत में कहा, वेलकम बर्डी। इसरो ने कहा है कि अब मिशन कंट्रोल सेंटर कई तरह से विक्रम लैंडर पर नजर रख पाएगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। वह लगातार चांद की सतह की तस्वीरें ले रहा है। इसरो को लगातार चांद से संबंधित डेटा देता रहता है। इसी से चंद्रयान 3 के लैंडर को जोड़ा गया है। इमरजेंसी के लिए ISRO ने अलग तैयारी की थी। ये एक तरह के बैकअप प्लान है जिसमें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर को जोड़ना था, ताकि किसी तरह की दिक्कत आने पर चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे पुराने ऑर्बिटर के जरिए संपर्क स्थापित किया जा सके। अब इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर और टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क दो तरह से विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर पाएगा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसरो शाम को क्यों करा रहा चंद्रयान 3 की लैंडिंग? क्या चांद की सतह पर अंधेरे में उतरेगा? 23 अगस्त 2023 की शाम 5:30 बजे के बाद से 6:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर किसी भी समय चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर सकता है। वैसे सही समय 6:04 बजे है, लेकिन थोड़ा मार्जिन रखना जरूरी है। वजह यह है कि लैंडर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। वह लैंडिंग की जगह खुद खोजेगा, फिर लैंड करेगा। इस काम में उसे समय लगेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ISRO शाम के वक्त क्यों लैंडिंग करा रहा है? क्या चांद की सतह पर अंधेरे में उतारेगा? असल में वजह यह है कि धरती पर लैंडिंग का समय शाम का है, जबकि चांद पर विक्रम लैंडर जिस समय उतरेगा उस समय वहां सूरज उग रहा होगा। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि हम जिस समय विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतार रहे हैं उस समय धरती पर शाम होगी, लेकिन चांद पर सूरज उग चुका होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिले, ताकि वह ढंग से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सके सूरज की रोशनी से चलेंगे। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर चंद्रमा पर एक दिन बिता सके। चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कोई दोबारा काम न कर सके। संभव है कि दोबारा सूरज निकलने पर ये दोनों फिर से सक्रिय हो जाएं, क्योंकि एक बार सूरज डूबा तो लैंडर और रोवर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो काम करना बंद कर देंगे। इसरो के टेस्ट ये बताते हैं कि लैंडर और रोवर की बैटरी में इतनी ताकत है कि दोबारा सूरज निकलने पर वो चार्ज होकर काम करने लगे। ऐसा अगले 14 दिन या उससे थोड़ा ज्यादा समय में संभव है। प्रज्ञान रोवर लैंडर की लैंडिंग के बाद बाहर निकलेगा। फिलहाल चंद्रयान 3 की हालत एकदम सही है। लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त है। चंद्रयान 2 के लैंडर की असफल लैंडिंग के 4 साल बाद यह पहला मौका है जब यह बड़ा प्रयास फिर से किया जा रहा है। लैंडिंग के बाद विक्रम के पेट का दरवाजा खुलेगा। उसके बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आकर अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करेगा। प्रज्ञान रोवर पर भी कैमरे और बाधाओं से बचने के लिए अवॉइडेंस सिस्टम लगा है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के आसपास ही काम करेगा। ये बहुत दूर नहीं जा सकता, बस इतनी ही दूर जा सकता है जहां तक विक्रम लैंडर उससे संपर्क स्थापित कर सके और नजर रखे सके। चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने दो माध्यमों का सहारा लिया है। पहला तो ये है कि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, उसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करना था। आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। भारत के चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।